हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फोर्थ यूनिट में से लिया गया है। फोर्थ यूनिट का नाम, जो चैप्टर का नाम है, एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी। एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी, इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं जो है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से उसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा आज टोलुइन। वैसे इसमें एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, बहुत सारी बेसिक नॉलेज है जो हमें जानने के लिए आवश्यक होती है। बट हम इसमें सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम पेपर आपके जो बहुत ही पास आ रहे हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा देता हूं। लेकिन कवर सभी टॉपिक करेंगे, जानना हमारे लिए सब कुछ जरूरी है। लेकिन हम इम्पोर्टेंट किसे देते हैं, हमें इम्पोर्टेंसी किसे देते हैं जो एग्जाम में आते हैं। लेकिन जानना, अगर चीजों को समझना है तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा टोलुइन के बारे में। देखिए दोस्तों, टोलुइन होता क्या है, इसका पहले सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। टोलुइन देखिए, CH3 ये क्या है, मिथाइल ग्रुप, और ये क्या है, बेंजीन या फेनिल ग्रुप बोलते हैं। अगर फेनिल ग्रुप पर एक CH3 ग्रुप अटैच है, उसे हम क्या बोलेंगे, टोलुइन। आप सभी को पता है बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे 6 कार्बन होते हैं इस प्रकार से, 6 कार्बन आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, 6 कार्बन इस प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं, और इन पर एक एक हाइड्रोजन होते हैं। सभी कार्बन एटम पर एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है, वो भी इस प्रकार से। एक एक हाइड्रोजन एटम आपको दिखाई दे रहे यहाँ पर, इस प्रकार से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और इस प्रकार से। और इनके बीच बॉन्ड भी होता है, इनके बीच 3 pi bond इस प्रकार से जुड़े होते हैं। चाहे आप यहाँ पर कहीं पर लगा दो, आप इसमें रेजोनेंस करते हैं, डीलोकलाइजेशन होता रहता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, ठीक है। ये भी हमें पता है, क्योंकि मैंने इससे पहले बेंजीन का एक टॉपिक कवर करवा दिया है जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड था, एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी से चैप्टर से ही रिलेटेड था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो आपको हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहा है, इसी को हम CH3 ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो अब ये क्या कहलाएगा, टोलुइन। तो मतलब कि इसके जो हाइड्रोजन एटम जो दिखाई दे रहे हैं, इसे रिप्लेस करा करके यहाँ पर बेंजीन के बहुत सारे सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टोलुइन के बारे में। टोलुइन का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि इसे हम मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप बेंजीन पर अटैच होता है, ठीक है। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा, इसे बनाया कैसे जाता है। उसके बाद इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जानने के लिए इसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये है क्या। केमिकल प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। और या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि TNT क्या है, ट्राई नाइट्रोटाइलिन क्या है, या फिर एक्सप्लोसिव पदार्थ होता है ट्राई नाइट्रोटाइलिन, वो नाइट्रेशन के द्वारा, टोलुइन के जो नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रो ग्रुप का जब हम एडिशन कराते हैं तभी टोलुइन बनता है, तो उसके बारे में 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। या फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे इसके यूजेस के बारे में, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे इसके यूजेस। तो इसके 4-5 पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके जो 2 पॉइंट है, पहले नंबर पे क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और दूसरा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब कि बनाने की विधि, इसे बनाया कैसे जाता है, किसे, टोलुइन को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने लिया है फ्रॉम बेंजीन से। बेंजीन से कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, ये है एक बेंजीन, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। बेंजीन के बारे में आपने पढ़ा होगा, बेंजीन इससे पहले मैंने लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ बेंजीन के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है, CH3Cl से रिएक्शन कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, जैसे हमने लिया है CH3Cl, सबसे पहले एक और दृष्टि से देखिए कि ये है बेंजीन और ये है हमारा टोलुइन या फिर मिथाइल बेंजीन। अब हमें इससे ये बनाना है, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। तो हमें करना क्या है कि इस पे कुछ ऐसा रिएजेंट लूं जिससे कि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिया है CH3Cl। ये क्या करता है भाई, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सभी कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है, सभी कोनों पर एक एक कार्बन और सभी पर एक एक और सभी कार्बनों पर एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है, ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, जब बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3 जो Cl हमने लिया है, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर आएगा माइनस चार्ज, और CH3 प्लस चार्ज, क्योंकि ये इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने वाला, मतलब कि कंपेरिटिव, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी,
मतलब कि अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और इस पर दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसीलिए इस पर माइनस चार्ज। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन जाता है इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, अगर दो इलेक्ट्रॉन छीनता तो इस पर प्लस टू प्लस चार्ज आ जाता। तो यही बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक बार चलो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, देखिए लास्ट तक एक बार बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। जैसे ए और बी एटम है, ठीक है, इनके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया ये वाला, ठीक है। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड को जब मैं ब्रेक करूंगा तो अगर सपोज कीजिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन ये छीन लेगा और इस पर आएगा माइनस चार्ज और इस पर आएगा प्लस चार्ज। तो ये क्या कह रहा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये कह रहा है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन छिन चुका है, मेरा एक इलेक्ट्रॉन छिन चुका है। प्लस चार्ज क्या कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका हूं, और बी क्या कहता है मतलब कि माइनस चार्ज क्या कहता है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर मैं दो लगा दूं तो इसका मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तीन लगा दूं तीन है, यहां पर अगर मैं दो लगा दूं तो ये कहता है मैं दो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका हूं। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले इस पर प्लस चार्ज आया, इस पर क्लोरीन पर क्यों आया मैंने आपको बता दिया, इस पर माइनस क्यों आया, इस पर प्लस क्यों आया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब चलिए यहां पर अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज, क्यों, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ही कम डिफरेंस होता है लेकिन डिफरेंस होता है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है हाइड्रोजन से, इसलिए इस पर माइनस और इस पर प्लस। तो अब क्या होगा, हमें करना क्या है, हमें प्लस वाले को माइनस से जोड़ना है और माइनस वाले को प्लस से जोड़ना है। तो क्या करेंगे, यहां पर माइनस है तो CH3 ग्रुप यहां पर आकर जुड़ जाएगा। अब मैं इसे कंपाउंड को ढक भी दूं तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली इस कंपाउंड को बना दोगे, क्योंकि ये तरीका होता है याद करने का। हमें नहीं पता है प्रोडक्ट क्या बनना है, लेकिन हमें इतना पता है कि आगे यहाँ पर जो प्लस और माइनस चार्ज आया है हमें प्लस वाले को माइनस से जोड़ना है, माइनस वाले को प्लस से जोड़ना है। तो देखिए ये H प्लस, ये Cl माइनस, HCl के रूप में हाइड्रोक्लोरिड के रूप में बाहर निकल जाएंगे एसिड के रूप में, और ये जो CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये बन गया टॉलुइन। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगा करके आपको कोई भी रिएक्शन रटने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ये करते हैं तो ये बनता है, नहीं भाई यहाँ पर हमने ये तो लिया ही लिया है। तो सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे और यहाँ लिख दे पी, प्रोडक्ट बताइए क्या है, तो बस रिएक्शन करवा देना है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज का कॉन्सेप्ट लगा देना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और फिर उसके बाद यहाँ पर कंपाउंड में अपने आप प्राप्त हो जाएगा, जो भी प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा जिस पर माइनस चार्ज वहां पर आ जाएगा और CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये है पहला मेथड, किस प्रकार से हम बेंजीन से हम टॉलिन बनाते हैं, ठीक है। अगर दो नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो हम बना लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। अब है फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन का क्या मतलब होता है, अगर किसी बेंजीन पर ब्रोमीन ग्रुप है या ब्रोमीन एटम है तो उसे हम बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। ये है इस रिएक्शन का नाम है, इस रिएक्शन का नाम था फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन और इस रिएक्शन का नाम है वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये ब्रोमोबेंजीन दिखाई दे रहा है, ये फेनिल ग्रुप है या फिर बेंजीन ग्रुप है या ये ब्रोमीन है, ठीक है। अब यहाँ पर दो सोडियम के एटम है, या हम क्या कह सकते हैं कि दो सोडियम दो Na है और यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन है और ये मिथाइल ब्रोमाइड है, जैसे अल्काइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्या है मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब अभी पता लग गया कि हमने क्या लिया इस रिएक्शन में, टोटल रिएक्टेंट क्या है हमारा मिथाइल ब्रोमाइड है, दो सोडियम के एटम है और एक ब्रोमोबेंजीन है। तो हमें मेनली ब्रोमोबेंजीन से हमें ये बनाना है, अब इस कंपाउंड से ये कंपाउंड बनाना है, तो कुछ ऐसा हो, कोई ऐसा रिएजेंट, कोई ऐसा काम, मतलब कि कोई ऐसा रिएजेंट हो जो इस ब्रोमीन एटम को इस CH3 ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दे, मतलब कि यहाँ ब्रोमीन की जगह ये CH3 आ जाए, तो हमने इसलिए लिया है ब्रोमीन CH3। अब देखिए आगे क्या होगा, अब जैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होगी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अब यहाँ पर क्या आएगा, ब्रोमीन जो होता है माइनस चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार से लगाएंगे, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगी, एक बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, तो इसमें जो सोडियम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सोडियम ये क्या करता है, ये 2NaBr निकाल देता है, यहाँ पर ये जो है ये ब्रोमीन एटम को अपनी तरफ खींच लेगा, ये सोडियम है, ये दोनों ब्रोमीन एटम को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। अब जैसे ये ब्रोमीन एटम अपनी तरफ खींच लेगा तो ये देखिए एक यहाँ पर 2NaBr क्या लिखा है, इसका मतलब कि दो सोडियम है और दो ब्रोमीन है, हमारे पास बचता क्या है, सिर्फ CH3 बचता है, क्योंकि ये जो सोडियम है इसे भी खींच लेगा अपनी तरफ, एक सोडियम मेटल इसे खींच लेगा, अब एक सोडियम जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ NaBr, ठीक है, ये वाला इसे खींच, इसमें से एक सोडियम मेटल इस ब्रोमीन को खींच लेगा और एक सोडियम मेटल जो दूसरे वाला है वो इस वाले ब्रोमीन को खींच लेगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये CH3 बचेगा, ये इस पर अटैच हो जाएगा कार्बन पर इस प्रकार से। तो ये बन गया हमारा ब्रोमोबेंजीन से टॉलुइन, इस प्रकार से बनता है। तो ये दो मेथड है, इसे आप नोट कर लीजिए, आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड।
दोस्तों हमारे पास थर्ड मेथड है फ्रॉम क्रिसोल से। क्रिसोल से हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास यह है क्रिसोल के स्ट्रक्चर, जैसे C6H4OH, एक बेंजीन ग्रुप पर एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, C3 ग्रुप अटैच होते हैं। अब बाय डिस्टिलिंग क्रिसोल्स विद जिंक डस्ट, देखिए जिंक डस्ट जो होता है, जिंक का कार्य क्या होता है, जिंक डस्ट का कार्य होता है ये ऑक्सीजन को खींच लेता है अपनी तरफ ऑक्सीजन को बहुत तेजी से खींच लेता है, झपट लेता है एकदम से ऑक्सीजन को। तो देखिए जहां भी ऑक्सीजन यहां पर अगर रिएक्टेंट में होगा, अगर इसकी रिएक्शंस कराएंगे तो ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ ZNO के रूप में, जिंक ऑक्साइड के रूप में एकदम से बाहर निकाल देगा। जिंक हर एक रिएजेंट का आप उसका अपना अपना एक कार्य होता है, जैसे ZN का कार्य है कि ये कहीं भी ऑक्सीजन एटम, इस बात को नोट करके लिखेंगे क्योंकि सेकंड ईयर थर्ड ईयर आगे आपको बहुत ही काम आएगा। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो आपके लिए भी बहुत ही कार्य, 12th से लेकर के बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर हर जगह ये बात जो बेसिक नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट होगी। जैसे ZN है, इसका कार्य क्या है, ये ऑक्सीजन एटम को अपनी तरफ खींच लेता है, खींच करके ZNO के रूप में, जिंक ऑक्साइड के रूप में, जिंक या फिर जिंक मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक ऑक्सीजन एटम है। तो देखिए होगा क्या, अब ये ऑक्सीजन अगर निकल जाएगा तो हमारे पास ये एच यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जुड़ने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा C6H5, क्योंकि पहले H4 था, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, C6H5 प्लस CH3, तो ये टॉलुइन तो बन गया हमारे पास, क्योंकि टॉलुइन की स्ट्रक्चर क्या है, टॉलुइन की स्ट्रक्चर यही तो है कि हम एक बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप होना चाहिए, इस प्रकार से एक बेंजीन के ऊपर एक CH3 ग्रुप होना चाहिए, तो ये बेंजीन की का मोलिकुलर फॉर्मूला है और यहाँ पर CH3 है। अब आप सोच रहे होंगे बेंजीन की जो फॉर्मूला होता है तो C6H6 होता है, तो भाई एक हाइड्रोजन हटा करके रिप्लेस किया हमने CH3 पर, तो इसलिए तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है नहीं, क्योंकि उस हाइड्रोजन एटम की जगह ये CH3 ग्रुप आ गया। ठीक है, तो इस बात का भी कुछ बेसिक नॉलेज मैं आपको बताता रहा हूँ, इसे भी नोट करते रहिए आप। सेकंड मेथड यहाँ तो हमने बना दिया, किससे, यहाँ हमने क्रिसोल से बनाना सीखा कि किस प्रकार से हम टॉलुइन को बना सकते हैं। उसके बाद फोर्थ मेथड है हमारे पास फ्रॉम सोडियम टॉलुइट्स। ये क्या है, सोडियम टॉलुइट्स क्या है, ये टॉलुइन के द्वारा बनाया गया, इसी का डेरिवेटिव है, फ्रॉम सोडियम टॉलुइट्स, इससे हम टॉलुइन कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहां पर C6H4CH3, मतलब कि अगर इसे हटा करके एक हाइड्रोजन एटम अगर यहां पर जुड़ जाए तो हमारे पास टॉलुइन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हमने क्या लिया है, बाय हीटिंग सोडा लाइम। देखिए दोस्तों सोडा लाइम होता क्या है, सोडा लाइम जो होता है नोट करके लिखेंगे, ये भी एक नई बात है, NOH+, अगर पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं पता है तो नोट कर लेंगे कि इन दोनों का मिक्सचर होता है सोडा लाइम, और इसका कार्य क्या होता है, कार्य अलग से नोट कर लेंगे। इसका जो कार्य होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या फिर जैसे CWH ग्रुप होता है इसे निकाल देता है, मतलब कि किसी या तो सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में या CO2 के रूप में बाहर निकाल देता है, CaO जैसे CO2 के रूप में बाहर निकाल देता है। तो मतलब कि ये दुश्मन, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये CWH ग्रुप का दुश्मन होता है, जहां भी देखेगा झपट पड़ेगा और किसी और रूप में निकाल देगा, CO2 के रूप में निकाल देगा, सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में निकाल देगा। तो जैसे इसमें आपने देखा कि इसमें सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में निकाल रहा है, कैसे, आप देखिए होगा क्या, इसमें जैसे एक Na यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक Na यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो Na2 तो पहले ही बन गया, Na2 ठीक है, अब यहाँ पर CO ये वाला ऑक्सीजन CO3 बाहर बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर CH3 और एक हाइड्रोजन, यहाँ पर जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है ये कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर इसके पास, तो C6H5CH3 इस प्रकार से यहाँ पर फ्रॉम सोडियम टॉलुइन, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास टॉलुइन बन जाता है, किससे, सोडियम टॉलुइट से, सोडियम टॉलुइट से टॉलुइन कैसे बनाते हैं वो यहाँ पर आपको बता दिया, इस रिएक्शन को भी नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। दोस्तों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फिफ्थ और सिक्स्थ मेथड, एक दो और मेथड है जो कि इंपॉर्टेंट है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रॉम टॉलुइन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है, जैसे कि SO3H, इसे आप आगे भी पढ़ोगे और यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं सल्फोनिक ग्रुप या फिर सल्फोनिक, अब यहाँ पर अगर किसी के साथ जुड़ जाएगा तो सल्फोनिक एसिड कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम टॉलुइन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम है टॉलुइन सल्फोनिक एसिड, मतलब कि इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको इसे मिटा देता हूं, नो प्रॉब्लम, अब इसे मिटाने के बाद इसे मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, ये लीजिए सर, ए यहां पर ये और ये CH3 ग्रुप इस प्रकार से, और यहां पर मैं लिख सकता हूं SO3H, ये है टॉलुइन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैं H2O से करा देता हूं, वाटर के मॉलिक्यूल से करा देता हूं, और प्लस डाइल्यूट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, जैसे कंसेंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, जैसे सपोज कीजिए कि कोई मिल्क है, दूध है, ठीक है, दूध अगर सपोज कीजिए थोड़ा गाढ़ा है तो उसे हम बोलेंगे कंसेंट्रेटेड है, अगर उसमें पानी मिला दिया जाए, पतला कर दिया जाए तो उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट है। तो यहाँ पर जो हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है वो डाइल्यूट लिया है, मतलब पतला लिया, हल्के में लिया है, 170 डिग्री सेल्सियस प्रेशर भी दिया जाता है।
दाब दिया जाता है, तो प्रेशर के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बनता है हमारे पास C6H5CH3+H2SO4, ठीक है। क्योंकि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है दोस्तों वो H+OH- के रूप में ब्रेक होता है, ठीक है। अब ये एक H+ सपोज कीजिए यहाँ पर जुड़ गया इस कार्बन इस हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो SO3H ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है बाहर मोटर गाड़ी जो चल रही है उनकी जो साउंड है वो वीडियो में ना आए इसलिए मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है। चलिए फिर से आपके वहीं ले जाता हूँ, वहीं इस टॉपिक पर आते हैं। जैसे SO3H, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल जो है H+OH- के रूप में ब्रेक होता है, ठीक है, हमने समझ लिया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों SO3H जो ग्रुप है इस पर OH जो होता है एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाता है तो ये बन जाएगा O4 हो गया, ठीक है। सल्फर यहाँ पर ये लीजिए और एक H ये वाला H जुड़ जाएगा, ये वाला H+। अब ये H+ कहाँ जुड़ेगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जो बेंजीन है वो एक हाइड्रोजन को हटाकर ही तो SO3H लगा होगा, तो इसका मतलब वो लास्ट में जब ये हटेगा यहाँ से हटे जाएगा तो एक H+ वहीं पर जुड़ जाएगा वापस कार्बन पर, तो यहाँ पर बन गया C6H5CH3 टालोइन। हम क्या कहेंगे कि फ्रॉम टालोइन सल्फोनिक एसिड से टालोइन हमने बना लिया है, तो ये फिफ्थ मेथड है। उसके बाद हमारे पास ये एक और मेथड है जिसे मैं आपको बता देता हूँ, फ्रॉम पेट्रोलियम। देखिए दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कि हमने लिया है एनहेप्टेन। एनहेप्टेन किसे कहते हैं, हेप्ट का मतलब देखिए दोस्तों जैसे कार्बन है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। देखिए दोस्तों IUPAC में आपने देखा होगा मोनो डाई ट्राई पेन टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा, मतलब कि 7 कार्बन एटम है तो उसे बोलेंगे हेप्ट। तो अब देखिए सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है अगर सभी में तो उसे बोलते हैं हेप्टेन। तो हेप्टेन की स्ट्रक्चर क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर 16 हाइड्रोजन एटम है तो वो किस प्रकार से जुड़े होंगे, इस प्रकार से जुड़े होंगे सभी पर एक एक हाइड्रोजन, ये लीजिए कार्बन, ये लीजिए इन सभी पर एक एक हाइड्रोजन इस प्रकार से। देखिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं इसलिए मुझे यहां पर लिखने में, अब देखिए ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, लास्ट वाले जो कार्बन एटम है उस पर कम से कम 3 हाइड्रोजन एटम। अभी इन सभी को गिन लो भाई, 16 होंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 × 12 क्योंकि यहाँ पर 6 × 12 हाइड्रोजन यहाँ पर और एक यहाँ, 12 × 2 = 14 + 2 = 16। फिर से बता देता हूँ अगर काउंटिंग में, अगर इसे आप काउंटिंग करोगे 1, 2, 3 यहाँ पर 1, 2, 3 6 हो गए, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5 × 10 = 16 हो गए क्योंकि इन सभी पर दो दो हाइड्रोजन है तो 16 हो गए। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर वापस आ जाइए, C7 और H16 7 कार्बन एटम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उन पर 16 हाइड्रोजन एटम है जो कि इस प्रकार से अरेंज है। इसे हम बोलते हैं एनहेप्टेन, नियो हेप्टेन क्योंकि सीधी श्रृंखला है, जो हमारी श्रृंखला है जो चैन है वो सीधी, इसलिए उसे हम नियो बोलते हैं। तो अब इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड Cr2O3+Al2O3+, अब देखिए उसके बाद 480 से 580 डिग्री सेल्सियस पर प्लस प्रेशर भी ताप भी दिया जाता है, तब जाकर हमें प्राप्त होता है टोलुइन प्लस 4H2 बाहर। अब आप अगर इसे बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो, कैसे करोगे, आपको पता है कि भाई इसमें कितना टालोइन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, टालोइन के स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं और कितने अब देखिए चलो काउंट करके दिखा देते हैं आपको। जैसे बेंजीन पे आपको पता है कि C6H6 होता है तो 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन तो CH3 के द्वारा रिप्लेस हो गया तो इसे हम हटा देंगे, तो इसका मतलब बचे कितने, 5 हाइड्रोजन, 5 और 3 कितने होते हैं 8 हो गए, तो 8 हाइड्रोजन इसमें शामिल हो गए, 4 × 8 कितने होते हैं 16 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया क्योंकि 4 हाइड्रोजन यहां पर निकल गया, इस 16 में से 8 हाइड्रोजन इसके पास हो गया और 8 हाइड्रोजन इसके पास क्योंकि H2 मतलब कि 4 H2 के 4 मॉलिक्यूल है तो 4 × 8 हाइड्रोजन यहां पर आ गया। देखिए बहुत ही बेसिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर ये कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थी, बनाने की कुछ विधि थी। अब मैं डिस्कस करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में दोस्तों, यहां तक के नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट समझ करके इसे साफ साफ हैंडराइटिंग में नोट कर लेंगे। नोट करेंगे कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि भौतिक गुण। भौतिक गुणों में सबसे पहले ये एक कलरलेस लिक्विड है, मतलब जिस रंगहीन लिक्विड जिसका कोई कलर नहीं होता और ये एक लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक होता है वो 110 डिग्री सेल्सियस होता है। सोलिबिलिटी की अगर हम बात करें, सोलिबिलिटी का मतलब होता है कि ये घुलनशील है या नहीं है, घुलनशील मतलब कि घुलता है या नहीं है। तो सोलिबिलिटी में ये इनसॉल्युबल इन वाटर, हम वाटर को कंसीडर क्यों करते हैं हमेशा हर जगह, हर एक जगह हम वाटर को कंसीडर, सोलिबिलिटी की जब बात आती है तो हम वाटर को कंसीडर इसलिए करते हैं बिकॉज वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सभी चीज़ों को घोलने वाला वाटर होता है, जबकि ऑर्गेनिक्स बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिन्हें ये वाटर जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है मतलब कि वाटर में घुलता नहीं है।
तो वाटर में तो हम जनरली इसे कंसीडर इसलिए करते हैं क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो बहुत सारे कंपाउंड्स को घोल देता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सोल्यूबल ऐसे ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो घोल देते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास सोल्यूबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि हमारे पास अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, इसमें आसानी से घुल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने वाटर और इन दोनों के कंपैरिजन किया सोल्युबिलिटी में कि ये एक इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्युबल है बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे आसानी से घुल जाता है जैसे अल्कोहल और इथर। तो ये इसका कुछ भौतिक गुण और फिजिकल प्रॉपर्टीज था जिसे आप नोट कर लीजिए। अब आपको हेडिंग डालना है केमिकल प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके लिए आप ये वीडियो शायद देख रहे होंगे। देखिए दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले हमें पता है कि बेंजीन में या फिर टालोइन में, टालोइन की हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो टालोइन में आपने क्या देखा कि इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है और एक इसमें बेंजीन ग्रुप है। तो इस बेंजीन ग्रुप के कारण कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं और इस CH3 ग्रुप के कारण कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ पर टेक प्लेस मतलब कि हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस, मैं उन रिएक्शन के बारे में सबसे पहले बात करूंगा, उस रिएक्शन को डिस्कस करूंगा जो कि बेंजीन के न्यूक्लियस के कारण होती है। बेंजीन या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि बेंजीन के कारण जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में आपने देखा होगा दोस्तों हैलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पीरियोडिक टेबल में आपने सेवंथ ग्रुप में देखा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन भी होता है। जनरली हम फोर्थ एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, कौन कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों को हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमने हैलोजिनेशन ज्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन का ही कराया जाता है। तो देखिए हमने क्लोरीन का लिया, तो हमने ले लिया Cl2 का एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर हमने ले लिया हैलोजन कैरियर Fe+ और +I2। कोल्ड और डार्क, ठंडे और मतलब कि डार्क में रिएक्शन हो रही है, ये एल नहीं सॉरी यहाँ पर ये आर है डार्क। अब देखिए टालोइन जब रिएक्शंस करता है Cl2 के प्रेजेंस में तो यहाँ पर आर्थो एंड पैरा क्लोरो टालोइन बनता है, मतलब एक क्लोरीन एटम आर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर। देखिए दोस्तों आर्थो और पैरा पोजीशन होती क्या है बेंजीन का, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर CH3 को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मान लूँ, मतलब कि हमें बेंजीन में आर्थो और मेटा पैरा पोजीशन को हमें जानना है, तो इसके लिए मैं आपको यहीं कहीं बता देता हूं कि हमें एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानना होगा या फिर जिसे आप मेन पॉइंट बोलते हो। तो हमने CH3 को अगर हमने रेफरेंस पॉइंट माना है तो उससे अगले वाला आर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। तो पैरा तो 100% एक बात तो पक्के कि ये पैरा पोजीशन है उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपने रेफरेंस पॉइंट यहाँ माना तो आर्थो, मेटा, पैरा, फिर यहाँ पर अगर इसे आपने रेफरेंस पॉइंट अगर इधर से आप चल रहे हैं तो आर्थो, मेटा, पैरा, फिर पैरा तो यहीं फिक्स रहेगा, पैरा पोजीशन हमेशा फिक्स रहता है वो यहाँ पर, लेकिन ये देखिए आर्थो मेटा जो है वो आर्थो मेटा इस प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं कि आर्थो, मेटा, पैरा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसी की देश का नाम होता है आर्थो एंड पैरा क्लोरो टालोइन हमें प्राप्त होता है, ये हैलोजिनेशन रिएक्शन है, इसे हम नोट कर लेंगे। बेंजीन न्यूक्लियस के कारण होने वाली जो सेकंड रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कि नाइट्रेशन क्या होता है जब हम टालोइन का नाइट्रेशन कराते हैं, या TNT क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटाइलिन क्या होता है, या फिर टालोइन से ट्री या TNT को कैसे बनाते हैं। तो सब यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा जो भी क्वेश्चन बनता है नाइट्रेशन के ऊपर। तो देखिए दोस्तों जैसे हम CH3 है, टालोइन है, इसका हम नाइट्रेशन कराएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 मतलब HNO3 सॉरी। ये क्या होता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग नाइट्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब जो नाइट्रेशन करता है। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 ग्रुप का एडिशन। इसे आप हर जगह पढ़ोगे, आगे भी जाकर के बीएससी सेकेंडरी में जैसे आप जाओगे तो वहां पर भी आपको NO2 ग्रुप का कई जगह आपको नाइट्रेशन कराना होगा। तो देखिए नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रो ग्रुप का एडिशन। तो NO2 ग्रुप का एडिशन होगा कैसे, किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस यहाँ पर हमने आयरन प्लस I2 ले लिया है। अब इसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी और रिएक्शंस होने के बाद अब आगे क्या होगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएंगे आर्थो एंड पैरा नाइट्रोटालोइन, एक आर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप और एक पैरा पोजीशन पर। अब क्वेश्चन ये बैठता है कि अगर मैं इससे आगे और नाइट्रेशन कराऊँ, क्योंकि ये न्यूक्लियस तो और भी जगह खाली है, न्यूक्लियस की जगह ये रही बहुत सारी न्यूक्लियस की जगह खाली है और भी, तो इससे ज़्यादा अगर आप और भी नाइट्रेशन कराओगे तो क्या होगा, आगे हम नाइट्रेशन कराएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2,4-dinitrotoluene, मतलब कि दो NO2 ग्रुप का एडिशन हो सकता है इस प्रकार से, एक आर्थो पोजिशन पर और एक पैरा पोजिशन पर। तो आर्थो और पैरा पोजिशन पर एक ही बेंजीन रिंग पर एडिशन हो सकता है इस प्रकार से। अब इससे आगे फिर से आप नाइट्रेशन कराओ, मतलब एक और ग्रुप, एक और नाइट्रो ग्रुप का एडिशन कराते हैं,
तब हमें प्राप्त होता है मेन कंपाउंड जो कि होता है TNT ट्राइनाइट्रोटालोइन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटालोइन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए ये बेंजीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब देखिए सेकंड नंबर पर क्या है, एनोटो ग्रुप, तो ये हो गया 2। उसके बाद आपने देखा कि 4 पोजीशन पर क्या है, एनोटो ग्रुप, तो इसलिए हमने बोल दिया 4। अब उसके बाद 5, 6 पोजीशन पर क्या है, एनोटो ग्रुप, इसलिए हम बोलते हैं 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रो से बोलते हैं, क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप है और 3 को बोलते हैं ट्राई, तो ट्राइनाइट्रो टोलोइन TNT मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, साफ साफ हैंडराइटिंग में नोट कर लेंगे। थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन। अभी मैंने आपको बताया था SO3 ग्रुप, SO3H ग्रुप का मतलब होता है सल्फोनिक, सल्फोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखिए हमें नाइट्रो, अब यहाँ पर हमारे पास है टालोइन, तो टालोइन की रिएक्शन करानी है कंसनट्रेटेड SO4 के साथ, तब हमारे पास ये सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन हो जाएगा इसके अर्थ और पैरा पोजिशन पर, तो इसे हम बोलेंगे इसका सल्फोनेशन। हमने क्या कराया, टालोइन का सल्फोनेशन, तो सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन कैसे होगा, कंसनट्रेटेड SO4 लिया, ठीक है। उसके बाद जब हम इसकी टालोइन की रिएक्शंस कराते हैं, आपस में रिएक्शंस कर लेंगे, यहाँ से एक एच निकलेगा और यहाँ पर सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन हो जाएगा, हमें अर्थोर पैरा टालोइन सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो ये होती है सल्फोनेशन रिएक्शंस। तो हर एक मतलब कि आपको यहाँ पर सल्फोनेशन कराने के लिए आपने क्या लिया, कंसनट्रेटेड SO4, और नाइट्रेशन कराने के लिए आपने क्या लिया था, कंसनट्रेटेड HNO3, मतलब वो एक नाइट्रेटिंग एजेंट है, ये एक सल्फोन मतलब सल्फोनेशन कराने वाला एजेंट था, ये एजेंट है ये। और उससे पहले हमने क्या कराया था, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में हमने हैलोजन्स लिए थे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमने लिया था क्या, क्लोरीन लिया था, तो वो क्लोरीन जो है हैलोजिनेशन कराया जाता है। तो ये मतलब कि हर एक यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आगे भी इस प्रकार से रिएक्शन, हमने यहाँ पर टालोइन लिया, आगे बेंजीन का कोई और भी सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड होगा, जिसमें यहाँ पर हमें कंसनट्रेटेड SO4 के द्वारा उसमें हम सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन करेंगे, नाइट्रेशन कराएंगे, तो इस बात को हमें नोट कर लेना है, इसे भी नोट कर लेंगे। बेंजीन न्यूक्लियस के कारण एक और रिएक्शन है हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर इस रिएक्शन के ऊपर लिख लेना मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टाइलोइन की रिएक्शन, मतलब कि टाइलोइन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किस प्रकार से होती है, या फिर बोल देंगे क्या होता है जब हम टाइलोइन को CH3Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, जैसे CH3Cl के बीच बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो उस पर माइनस पर आ जाएगा प्लस, दूसरी तरफ यहाँ पर जो आपको ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो कार्बन पर, यहाँ पर हाइड्रोजन, मैंने आपको क्या बताया था कि बेंजीन पर हर एक कोनों पर एक एक कार्बन होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन मैं निकाल दूंगा और वहां पर जोड़ दूंगा CH3, क्योंकि वो H+ के रूप में निकलेगा, तो H इस Cl को निकल के निकल जाएगा, HCl बाहर निकल गया, अब ये जो CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो हमें आर्थो एंड पैरा ज़ाइलीन प्राप्त होता है, सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड हमें प्राप्त होता है आर्थो एंड पैरा ज़ाइलीन, जैसे कि आर्थो एंड पैरा ज़ाइलीन आपके सामने है, ये आर्थो पोजिशन पर CH3 ग्रुप, ये पैरा पोजिशन पर, नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दोस्तों अब हमें बात करनी है एडिशन रिएक्शंस के बारे में, मतलब योगात्मक अभिक्रिया जिसमें सब कुछ जुड़ता है, तो जुड़ने में सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, दूसरे नंबर पर हैलोजन को जोड़ दिया, ठीक है, हैलोजन को जोड़ेंगे तो क्या होगा और हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों रिएक्शन आपके सामने है एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें नोट करके चलेंगे। देखिए जैसे हमारे पास टाइलोइन है, ठीक है, टाइलोइन रिएक्शंस करेगा 3H2 के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के कितने एटम आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, या फिर H2 के कितने मॉलिक्यूल, 2-3 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम हुए, 3-2-6 हाइड्रोजन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम कैसे जुड़ेंगे, 6 हाइड्रोजन एटम हमें जब हम यहाँ पर रिएक्शंस कराएंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर निकिल की प्रेजेंस में, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर बेंजीन की रिंग में यहाँ पर कितने इस समय कितने हाइड्रोजन है, 1 है, तो यहाँ पर देखिए 2-2 हाइड्रोजन जुड़ गए, जो पाई बॉन्ड जिनके अंदर ये जो आपको रेजोनेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पाई बॉन्ड्स जिसे हम इस प्रकार से डिनोट भी कर सकते हैं, तो ये पाई बॉन्ड्स टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक होने के बाद क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, तो इस प्रकार से देखिए CH2 इस प्रकार जुड़ जाता है, CH3 ग्रुप वहीं का वहीं रहता है, तो यहाँ पर ये बन ये क्या बना, इसका क्या नाम है भाई, इसका नाम है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन आपको बायोसी फर्स्ट ईयर में ही मिलेगा साइक्लोएल्केन के नाम के टॉपिक में, जिसमें आपको साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन जिसे मैं करा चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए इसके बाद नीचे टालोइन है, टालोइन रिएक्शंस करता है 3Cl2 मतलब हैलोजन के साथ, हम हैलोजन में हमने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया, जबकि ले सकते थे और भी हैलोजन्स हैं लेकिन हमने लिया है जनरली क्लोरीन, तो 3-2-6 क्लोरीन के 3 एटम है, 3-2-6 है क्लोरीन के, तो देखिए दोस्तों क्लोरीन के 6 एटम जो इसके साथ रिएक्शंस करेंगे तो वहां पर जो हाइड्रोजन एटम आपको यहां पर जो बॉन्ड है, ये जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर जो बॉन्ड है ये ब्रेक होने से कैसे जुड़ पा रहा है, तो देखिए दोस्तों ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा तो प्यारे दोस्तों कार्बन की जो वैलेंसी है वो फ्री हो जाएगी,
मतलब कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? चार वैलेंसी, एक दो तीन चार, चार वैलेंसी होती है। जिसमें आप अगर मैं इस कार्बन की वैलेंसी की बात करूँ, ये वाला कार्बन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक क्लोरीन एटम, चार वैलेंसी कंप्लीट। क्योंकि एक इस वाले कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक इस वाले कार्बन एटम के साथ, एक इस कार्बन वाले एटम के साथ और इस क्लोरीन एटम के साथ, चार वैलेंसी कंप्लीट। तो इसी तरह आप सभी कार्बन की वैलेंसी को देख सकते हैं। जैसे इसकी बात कर लूं मैं, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी कंप्लीट। तो वैलेंसी कंप्लीट करना है, वैलेंसी कंप्लीट करने से आपके सभी जितने भी हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोकार्बन में आपकी मिस्टेक्स है सब निकल कर बाहर आ जाएगी। तो ये भी एक बढ़िया ट्रिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का कि वैलेंसी का पहले देखो कि वैलेंसी कितनी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, तो क्या होगा दोस्तों, यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होते ही वैलेंसी फ्री हो जाएगी, एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी सभी कार्बन एटम की जो भी है वैलेंसी। तो यहां पर हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा उसी वैलेंसी पर, हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा, जैसे कि यहां पर क्लोरीन एटम जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर छह क्लोरीन एटम इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है ना, तो इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। तो ये हम इसी प्रकार से लिख दूंगा, इस रिएक्शन को नोट कर लेंगे, ये एक एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है योगात्मक अभिक्रिया है। इसमें क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, योग हुआ, मतलब जुड़ा, इनमें सभी क्या हुआ, जुड़ा ही, तो इसलिए इसे एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिएक्शन ड्यू टू मिथाइल ग्रुप। अभी CH3 ग्रुप के कारण कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं उसे हम नोट कर लेंगे। देखिए दोस्तों बोर मत होना, और इसकी रिएक्शंस की आपको आसान लग रहा होगा, बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि समझ में आ रहा है तो आसान लगेगा ही। तो देखिए दोस्तों आसान लगेगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको भूल जाना है, मुझे पता है आप लोगों को आसानी से आप कर देंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस रिएक्शंस को आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट होगा आप यहाँ पर, वरना आपको मिस्टेक हो सकती है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिस्टेक होना पॉसिबल है, इसलिए जब तक आप इसकी केमिकल रिएक्शंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, हमें करना क्या है भाई, एक लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट बना करके हमें बाई बाई रिएक्शंस कराना है, नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, टाइलोइन के साथ, फिर जितनी भी रिएक्शन है सब रिएक्शन कराएंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि करेंगे, तो हमें प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो हैलोजिनेशन की बात करें, सबसे पहले देखिए CH3 ग्रुप पर भाई होगा क्या, हमने Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दी, यहाँ से जो आपको CH3 आपको दिखाई दे रहा है इसका एक एच में बाहर कर देता हूँ, इस प्रकार से CH2 1H में बाहर कर देता हूँ। अब 1H, अब यहाँ से Cl, एक Cl के साथ रिएक्शंस कर लेगा। अब इस Cl2 किस प्रकार से जुड़े हैं, इस प्रकार से जुड़े हैं, इनके बीच बॉन्ड ब्रेक करूंगा, एक Cl क्या होगा, इस HCl के साथ माइनस HCl बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद एक Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो CH2Cl इसका क्या नाम है भाई, बेंजाइल क्लोराइड, इसका नाम बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अब उसके बाद इसलिए एक और बार हमने यही रिएक्शन Cl2 के साथ कराया, तो फिर 1H एक और हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन एटम है ना, तो एक और हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा, फिर वही किया हमने रिएक्शन, तो एक और हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम बचा है, तो अब फिर दोबारा से रिएक्शन कराएंगे, तो एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, लास्ट में हमारे पास बनता है बेंजो ट्राइक्लोराइड। लास्ट में फाइनली हमें ओवरऑल क्या मिलता है, बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो ये रिएक्शन आ सकती है कि भाई टाइलोइन से बेंजो क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड कैसे बनाएंगे, तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे बनाए, क्योंकि स्ट्रक्चर ये है, इससे ये बनाना है, कंफ्यूज। तो यहाँ पर आपको कितना आसान लग रहा है, अपन Cl2 डालते रहे, HCl निकालते रहे, Cl2 डालते रहे, HCl निकालते रहे। तो ये हैलोजिनेशन रिएक्शंस है, किसके कारण हुई, ड्यू टू द मिथाइल ग्रुप के कारण। मिथाइल ग्रुप पर एक और रिएक्शन ड्यू टू मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप के कारण जो रिएक्शन हो रही है, 3 ऑक्सीजन एटम, या फिर इसे मैं कह सकता हूँ कि जैसे O2 है प्लस एक और ऑक्सीजन एटम हमने ऐड कर लिया, तो 3 एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन के, सिंगल नवजात ऑक्सीजन के 3 एटम भाई, 3 भाई ऑक्सीजन के 3 भाई यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट HNO3 हमने डाल दिया, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ जाना या हाइड्रोजन का निकल जाना, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन जैसे ही होगा यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा, मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो CH3 पर जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या होगा, यहां से 2 हाइड्रोजन तो निकल जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में ये जो 3 ऑक्सीजन एटम दिखाई दे रहे हैं, इसमें से 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर जुड़ जाता है और 1 हाइड्रोजन एटम यहीं पर रहता है, 2 हाइड्रोजन इसमें निकल जाएंगे। अगर मैं इसे यहाँ पर एक इस प्रकार से लिख दूं, से CH3 अभी भी CH3 है, लेकिन इसके 2 H2 को बाहर कर दूं, 1 ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन कर देगा, H2 बाहर निकाल देगा इस प्रकार से, और बचे यहाँ पर हमारे 2 ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करके CHH ग्रुप बनेगा। इसे हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कैसे टाइलोइन से बेंजोइक एसिड बनाया जाता है। तो ये है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप टेक प्लेस हो जाता है, कहां पर, CH3 ग्रुप की जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो मिथाइल ग्रुप के कारण रिएक्शन हुई है, नोट कर लेंगे।
चलिए दोस्तों लास्ट पॉइंट, लास्ट रिएक्शंस, लास्ट पॉइंट, मिथाइल किस प्रकार से, क्वेश्चन क्या आता है कि टाइलोइन से किस प्रकार से हम बेंजल्डिहाइड बनाएंगे, तो ये रिएक्शंस है। दो ऑक्सीजन एटम, दो नवजात ऑक्सीजन ले लिया हमने, रिएक्शंस करा दिया CR2 प्लस CL3 के साथ इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ एट 25 से 40 डिग्री सेल्सियस पर ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये है बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। यूजेस की अगर मैं बात करूँ उपयोग के बारे में, तो ये ड्राई क्लीनिंग के रूप में, सॉल्वेंट लिक्विड्स के रूप में, और ड्रग्स के रूप में, और एक्सप्लोसिव, ड्रग्स मतलब कि दवाइयों के रूप में, ड्रग्स में बहुत सारी दवाइयां, जिसे ड्रग्स का मतलब ये नहीं कि कोई खतरनाक चीज नहीं, दवाइयां भी बोलते हैं, ठीक है, दवाई भी, दवाई के रूप में मतलब कि मेडिसिन के रूप में, एक्सप्लोसिव के रूप में, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक पदार्थ, कोई विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं उनके रूप में भी यूज किया जाता है। तो ये थी कुछ बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पर BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 11th प्लस 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस अपलोड किए जाते हैं।